पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बीते दिन तहसील पट्टी दे माल हलका कीड़िया दे सेवा मुक्त पटवारी रमेश चंद्र अते उसके पुत्र विशाल शर्मा नू दो किश्तां विच 11,000 रुपए की रिश्वत लैण दे कथित दोष हेठ गिरफ्तार किया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दस्सिया कि उक्त दोवां मुलजमां खिलाफ यह मुकदमा पिंड कीड़िया दे वसनीक सकत्तर सिंह वल्लों ब्यूरो दे टोल फ्री नंबर ते दर्ज करवाई शिकायत की पड़ताल के आधार से दर्ज किया गया। उन्होंने दस्सिया कि तफ्तीश दौरान यह गल सामने आई है कि कथित मुलजम पटवारी तो उसके लड़के ने शिकायतकर्ता तो वाही योग जमीन की मालकी संबंधी माल रिकॉर्ड के विच दुरुस्ती करन बदले दो किश्तों के विच 11,000 रुपए की रिश्वत ली है। शिकायतकर्ता ने दोष लाया कि उक्त पटवारी ने उसके पिता की जमीन जो करीब 10 एकड़ दसी है जमीन के मालकी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके उसके चाचे के पुत्रां नूं उन्हां दी वाही योग जमीन के सह मालक बना दिता सी। जदों उसने इस संबंधी पटवारी नूं शिकायत की तो उसने माल रिकॉर्ड ठीक करन लई 10,000 रुपए की मांग की। उसने अगे दोष लाया कि उक्त पटवारी ने मौके पर ही 1,000 रुपए ले ले अते 10,000 रुपए होर रिश्वत वजो देने के लिए कहा। बुलारे ने दसा कि पड़ताल दौरान यह सिद्ध होया कि पटवारी ने 29 सितंबर 2017 नूं कस्बा हरीके विखे हरदेव सिंह सुनहरे की दुकान से अपने लड़के विशाल शर्मा राही 10,000 रुपए ले सन। एक घटना दुकान विच लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गए। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी दोवां मुलजमां खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून तहत विजिलेंस ब्यूरो दे थाना अमृतसर रेंज केस दर्ज किया गया अते अगलेरी जांच जारी है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।